नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक जियोपॉलिटिकल टर्म के बारे में, बैम्बू कर्टन। आपने अक्सर आयरन कर्टन के बारे में सुना होगा, जो कि कोल्ड वॉर के समय यूएसएसआर और वेस्टर्न वर्ल्ड को डिवाइड करता था। एक उसी प्रकार का कॉन्सेप्ट ईस्टर्न कंट्रीज में, यानी कि एशियन देशों में था, जिसको कहा जाता था बैम्बू कर्टन। ये बैम्बू कर्टन की परिभाषा कहां से आती है और एग्जैक्टली कहां पर ये कर्टन हुआ करता था और किस तरह से ये चेंज हुआ ओवर द पीरियड ऑफ कोल्ड वॉर, इसको हम डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। आईआर के लिए ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ना केवल आईआर बल्कि हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक अच्छा टॉपिक है, जो मेंस में भी आपसे पूछा जा सकता है, बैम्बू कर्टन की व्याख्या करने के लिए आपसे कहा जा सकता है। ये टर्म कई बार न्यूज आर्टिकल्स में भी इस्तेमाल होता है, तो हो सकता है कि आप वहां पर उसकी व्याख्या ना समझ पाए, तो आज इसीलिए ये लेक्चर मैं बना रहा हूं ताकि आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो जाए कि बैम्बू कर्टन एग्जैक्टली है क्या। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आप मुझे इस आईडी पर फॉलो कर सकते हैं। मेरे सभी प्लस कोर्स और स्पेशल क्लासेस की अपडेट्स आपको यहां प्राप्त हो जाएंगी। अन्य सभी प्लेटफॉर्म्स पर मैं इस आईडी पर उपलब्ध हूं। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको मिलेगा pathfinder_upsc टेलीग्राम चैनल पर, दैट इज आर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। हम शुरुआत करेंगे थोड़ा सा इतिहास के बारे में जानकर। तो वर्ल्ड वॉर वन के समय में रशिया में जार, यानी कि वहां का जो राजा था उसका रूल था। तो जारिस्ट रशिया ने ब्रिटेन और फ्रांस के साथ मिलकर जर्मनी और उसके एलाइज के खिलाफ वर्ल्ड वॉर वन लड़ा था, लेकिन लड़ाई खत्म होने से पहले ही अक्टूबर रेवोल्यूशन हो जाता है रशिया में, जिससे जार की सत्ता चली जाती है और वहां पर बोल्शेविक कम्युनिस्ट पावर में आ जाते हैं। लेकिन इतनी आसानी से ये पावर में आए नहीं, क्योंकि इनके पावर में आते ही एक गृह युद्ध छिड़ जाता है। और इस गृह युद्ध में क्या होता है कि सोवियत यूनियन बनाने की कोशिश करते हैं कम्युनिस्ट, लेकिन वर्ल्ड वॉर वन में जो उनके सहयोगी थे ब्रिटेन और फ्रांस, वो नहीं चाहते कि कम्युनिस्ट सत्ता में आए, तो वो जो दूसरा विरोधी गुट था उसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन इस 4 साल के गृह युद्ध में अल्टीमेटली कम्युनिस्ट की जीत होती है और बोल्शेविक पार्टी अपना सत्ता पर कमान बना लेती है और 1922 में ऑफिशियली रशियन सिविल वॉर खत्म होता है और यूएसएसआर की स्थापना होती है। 1939 में यही यूएसएसआर फिर से यूके और यूएसए के साथ मिलकर नाजी जर्मनी के खिलाफ लड़ाई लड़ता है। तो वैसे ये पहले आपस में दुश्मन थे, लेकिन अब वर्ल्ड वॉर टू के समय अगेन एक कॉमन एनिमी सामने था, कॉमन दुश्मन था, उसको हराने के लिए फिर से साथ आ जाते हैं। तो इनकी आइडियोलॉजीज बिल्कुल भी मेल नहीं खाती थी। दोनों के बीच में जो रिश्ता था, यानी सोवियत यूनियन और ये जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज थे, इनके बीच में जो अलायंस थी वो बहुत ही नाजुक सी अलायंस थी, और ये लगभग तय था कि युद्ध के बाद ये अलायंस टिकने वाली नहीं है, ये टूट जाएगी। और इसके कुछ संकेत वर्ल्ड वॉर टू के समय ही मिलने लग गए थे। जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है, ये अलायंस टूट जाती है और सोवियत यूनियन अपने अंडर में क्या करता है, ईस्टर्न यूरोप के सभी कंट्रीज को ले लेता है। और ये ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, ये एक सैटेलाइट स्टेट की तरह काम करते हैं सोवियत यूनियन के, और यहीं पर बन जाती है आयरन कर्टन। तो आयरन कर्टन क्या था, बेसिकली सोवियत यूनियन और उसके जो ये सैटेलाइट स्टेट हैं, जैसे कि चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, हंगरी, इन सभी देशों के और वेस्टर्न यूरोप के बीच में एक अदृश्य दीवार बना दी जाती है। कई जगह दीवार अदृश्य थी, कई जगह एक जेन्युइन बॉर्डर था, लोहे की तार बंदी थी, तो इसीलिए इसको आयरन कर्टन कहा जाता था कि वेस्टर्न और ईस्टर्न यूरोप दो हिस्सों में बट चुका है। यहां पर केवल योगोस्लाविया वाला जो हिस्सा है वो थोड़ा सा आयरन कर्टन के बाहर था, क्योंकि योगोस्लाविया नॉन अलाइंड था। भारत, इजिप्ट और योगोस्लाविया जो है वो नॉन अलाइंड मूवमेंट के शुरुआती देशों में से एक थे। तो यहां पर एक 7,000 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है जो सोवियत यूनियन और उसके देशों को पश्चिमी दुनिया से अलग करता था, और इसको आयरन कर्टन कहा जाता था। तो दोनों के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बन गए यूएसएसआर और यूएसए के। कोल्ड वॉर की शुरुआत हो गई इस शीत युद्ध में, यूएसए या वेस्टर्न कंट्रीज इसके जो एलाइज थे उनके और सोवियत यूनियन के एलाइज के बीच में कई जगह टकरार होती है, कई जगह युद्ध कोल्ड से हॉट भी हो जाता है, लेकिन एक बड़ा युद्ध नहीं होता, देयर वाज नो वर्ल्ड वॉर थ्री। और अल्टीमेटली 1991 में सोवियत यूनियन के विघटन के बाद ये कोल्ड वॉर का समय समाप्त हो जाता है। ये आयरन कर्टन या लोहे का पर्दा सबसे पहले छिन्न भिन्न होता है बर्लिन शहर में। तो बर्लिन वॉल 1989 में टूटना शुरू होती है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी शुरू होता है, और उसके बाद धीरे धीरे पूरे यूरोप में ये आयरन कर्टन नीचे आ जाता है। और आज के समय में इन देशों के बीच में आराम से आवाजाही करी जा सकती है, ज्यादातर देश अब यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बन चुके हैं, तो इनमें कोई भी अब रोक टोक नहीं है। जब ये आयरन कर्टन मौजूद था तो उस समय वेस्टर्न और ईस्टर्न यूरोप के बीच में आवाजाही बहुत ही मुश्किल थी। जो कुछ थोड़ा बहुत ट्रेड होता भी था वो हाईली रेगुलेटेड था, अगर सोवियत यूनियन की सरकार चाहती थी तो ही वो ट्रेड हो पाता था, और लोगों का एक से दूसरी जगह आना तो ना के बराबर होता था। आयरन कर्टन के पीछे मेन मकसद ये था कि सोवियत यूनियन नहीं चाहता था कि पश्चिमी देशों के जो डेमोक्रेसी वाले आइडियल्स हैं वो इन ईस्टर्न देशों में आए और वहां की आइडियोलॉजी यहां पर आ जाए, जिससे ये देश इनके हाथ से निकल जाए। लेकिन अल्टीमेटली आइडियाज को कोई नहीं रोक सकता, आइडिया ट्रैवल कर जाते हैं बॉर्डर के थ्रू, और 1980s में यही होता है, इन सभी देशों में एक क्रांति शुरू होती है कि इनको आजादी चाहिए, और ये सब धीरे धीरे सोवियत यूनियन के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर आ जाते हैं।
अब दूसरी ओर एशिया में एक बैम्बू कर्टन इसी वक्त बन रहा था। इसकी ज्यादा चर्चा नहीं होती है, आप कई बार कोल्ड वॉर के बारे में पढ़ोगे तो भी वहां बैम्बू कर्टन का जिक्र तक नहीं होता, लेकिन बैम्बू कर्टन भी एक एग्जिस्ट करता था, लेकिन वो काफी वेरिएबल था, इसीलिए इसको थोड़ा सा समझना मुश्किल है। देखो पहली बात तो ये जानो कि इसको बैम्बू कर्टन कहते क्यों है, क्योंकि बैम्बू का जो पेड़ है ये चाइना का नेटिव है, चाइना में बहुतायत में पाया जाता है, और ये जब एक साथ बैम्बू उग जाता है तो एक दीवार के रूप में खड़ा हो जाता है। तो जैसे आप यहां पर देख सकते हो, इट्स लाइक अ लिटरल वॉल ऑफ बैम्बू जो यहां पर बन पड़ी है। तो बैम्बू कर्टन क्या था, ये एशिया में था, एशिया में ये बाउंड्री थी कम्युनिस्ट और नॉन कम्युनिस्ट देशों के बीच में। अगेन जो वेस्टर्न कंट्रीज के साथ एलाइड थे या फिर नॉन एलाइंड भी थे जैसे कि भारत, उनके और कम्युनिस्ट देशों के सैटेलाइट स्टेट्स या फिर उनके आदर्शों पर चलने वाले देशों के बीच की ये बाउंड्री है, जिसको बैम्बू कर्टन कहा जाता था कोल्ड वॉर के समय में। अब आयरन कर्टन को तो काफी अच्छे से हम मैप पे बता सकते हैं कि ये फिक्स्ड है, ईस्टर्न और वेस्टर्न यूरोप के बीच में था, लेकिन बैम्बू कर्टन की जो परिभाषा है, बैम्बू कर्टन की परिभाषा तो फिक्स है लेकिन बैम्बू कर्टन की लोकेशन फिक्स नहीं थी, वो समय समय पर शिफ्ट होती रही थी, और इसी शिफ्ट को मैं आपको थोड़ा सा आज यहां पर बताऊंगा कि किस देश में कब शिफ्ट हुआ। ईरान, अफगानिस्तान, कोरिया और साउथ ईस्ट एशिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, इन देशों में किस प्रकार से ये बैम्बू कर्टन शिफ्ट हुआ, इसकी हम चर्चा करेंगे आज इस लेक्चर में। अब ये बैम्बू कर्टन शिफ्ट तो होता रहता था, लेकिन एक आइडिया लेने के लिए मैं आपको मैप पे बता देता हूं कि ये कहां पर एग्जिस्ट करता था। तो आप देखेंगे कि चाइना और जितने भी कम्युनिस्ट देश हैं उनके बीच में जो ये ब्लैक कलर की लाइन आपको नजर आ रही है, यहां नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में, यहां साउथ ईस्ट एशिया में, यहां पाकिस्तान के पास, ये बैम्बू कर्टन था। अब इससे पहले कि आप कहें कि भारत का नक्शा सही नहीं है, मैं आपको बता दूं कि ये केवल एक रिप्रेजेंटेशनल मैप है, दिस डज नॉट डिनोट द एक्चुअल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, इट हैज बीन टेकन फ्रॉम विकिपीडिया, द सोर्स इज विकिपीडिया फॉर दिस। ऑलराइट, तो देखो यहां पर लाल रंग के जो भी आपको देश नजर आ रहे हैं ये सब सोवियत इन्फ्लुएंस में थे या फिर कम्युनिस्ट देश थे, और जितने भी ब्लू कंट्रीज हैं वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में थे, वेस्टर्न स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में, और इन दोनों के बीच में ये बाउंड्री थी, लेकिन ये बाउंड्री शिफ्ट होती गई थी। तो देखो एशिया के अंदर मेनली जो ये सेंट्रल एशियन सोवियत रिपब्लिक्स हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सोवियत थे, मंगोलिया जो था वो भी एक कम्युनिस्ट कंट्री था उस समय, नॉर्थ कोरिया आज भी एक कम्युनिस्ट कंट्री है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना नाम का कम्युनिस्ट कंट्री है आज के समय में, लेकिन उस समय प्रॉपर कम्युनिस्ट कंट्री था, नॉर्थ वियतनाम, वियतनाम युद्ध के समय की बात है तब ये भी कम्युनिस्ट देश था। तो ये सारे जो देश हैं इन्हीं की बाउंड्रीज पर ये बैम्बू कर्टन हुआ करता था। आयरन कर्टन और बैम्बू कर्टन के बीच में एक फर्क ये था कि बैम्बू कर्टन में कहीं पर भी उतनी तारबंदी नहीं थी जितना आयरन कर्टन में था, उतने चेक पॉइंट्स या बॉर्डर फेंसिंग कहीं पर नहीं थी। उसके पीछे रीजन ये है कि देखो ये वाला इलाका वैसे ही ज्यादातर जंगल वाला इलाका है, तो ये नेचुरल बैरियर दे देता है इन देशों के बीच में। आज भी ये बॉर्डर्स मोस्टली नेचुरल बैरियर्स हैं, कहीं पर भी तारबंदी नहीं है साउथ ईस्ट एशिया में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस। ठीक है, चेक पॉइंट वगैरह होते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत पाकिस्तान की तरह 1000-2000 किलोमीटर की लंबी तारबंदी किसी ने नहीं कर रखी है, क्योंकि वहां ऑलरेडी नेचुरल बैरियर्स एग्जिस्ट करते हैं, जंगल हैं, पहाड़ हैं, तो उन्हें जरूरत नहीं है इस चीज की। ठीक है, तो आयरन कर्टन में ऐसा नहीं था, आयरन कर्टन में प्रॉपर फेंसिंग हो रखी थी, कई जगह पर तो बड़े बड़े बैरियर्स थे जिनको क्रॉस करना इम्पॉसिबल था, जैसे कि बर्लिन शहर में, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं था। यहां पर ये जो बाउंड्रीज हैं इनमें रोक टोक थी एक से दूसरे देश में जाने में, लेकिन फिर भी ये आयरन कर्टन के मुकाबले थोड़ा सा पोरस था। अब बैम्बू कर्टन शिफ्ट कैसे होता है इसकी कहानी थोड़ी सी जान लो, मोस्टली ये कोल्ड वॉर की कहानी है। तो सबसे पहला शिफ्ट हम देखते हैं 1953 में ईरान में। ईरान में 1953 में क्या होता है कि जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार थी मोहम्मद मोसाडेक की, उसने कहा कि जो वहां की ऑयल कंपनी है उसको ऑडिट करवाओ, ऑयल कंपनी ने मना कर दिया, ऑयल कंपनी को बैक करते थे यूके और यूएस, इन्होंने क्या करा अपना ऑडिट करवाने की बजाय सत्ता चेंज करवा दी वहां पर। मोहम्मद मोसाडेक की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार को हटाकर वहां पर जो ईरान के शाह थे उनको फिर से सत्ता में ला दिया गया। दिस कू वॉज सपोर्टेड बाय CIA, ये एक बिल्कुल पब्लिकली नोन फैक्ट है। तो 1953 में ईरान में कू होता है जहां पर डेमोक्रेसी को हटाकर फिर से राजशाही लाई जाती है विद द सपोर्ट ऑफ द सो कॉल्ड डेमोक्रेसीज USA एंड UK, क्योंकि उनको क्या चाहिए था ऑयल, और इस ऑयल के लिए इन्होंने तख्ता पलट करवा दिया। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन एजैक्स कहा जाता है, याद रख लेना कभी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, एजैक्स इज अ माइथोलॉजिकल गॉड इन ग्रीक माइथोलॉजी। तो एजैक्स ऑपरेशन के तहत ये तख्ता पलट होता है, और ईरान में जो लास्ट शाह थे मोहम्मद रेजा पहलवी, इनको लीडर बना दिया जाता है, एंड ही वॉज कंप्लीटली प्रो वेस्टर्न, ये US UK को सपोर्ट करते थे। तो इस तरह से क्या होता है कि बैम्बू कर्टन थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है ईरान के नॉर्दर्न बॉर्डर पर, ईरान के वेस्टर्न स्फीयर में जाने से अब ये बैम्बू कर्टन यहां पर भी आ गया है। तो ये वाला जो ईरान का नॉर्दर्न बॉर्डर है ये, और यहां पर क्या है सोवियत यूनियन, इन दोनों के बीच में अब ये बैम्बू कर्टन इस वक्त आ चुका है। इस तख्ता पलट के बाद US और UK या नेटो एलाइज को ये लगने लगा कि अगर हमें अपने मिडल ईस्टर्न ऑयल सप्लाईज को सुदृढ़ करना है तो हमें इस पूरे एरिया में ऐसी सरकारें चाहिए जो हमारे फेवर में हो। तो धीरे धीरे इन्होंने हर देश में इस प्रकार की सरकार लाने की कोशिश करी जो कम्प्लीटली इनके फेवर में हो। इसके बारे में बहुत अच्छे से ये किताब बताती है, द सिल्क रोड, सिलेक्ट हो जाओ उसके बाद पढ़ लेना, अभी खाली रिकमेंडेशन देता हूं, अभी पढ़ने मत बैठ जाना, कोई जरूरत नहीं है इसको अभी पढ़ने की, सिलेक्शन के बाद पढ़ना। ठीक है, और जब सिलेक्शन के बाद पढ़ो तो मुझे थैंक यू बोल देना।
तो देखो यहां पर इन्होंने क्या कहा कि ऐसे देश बनाए जाएं राइट फ्रॉम मेडिटेरेनियन, राइट फ्रॉम यहाँ का ही मेडिटेरेनियन है, यहां से लेकर भारत का जो ये ब्रिटिश इंडिया वाला एरिया है यहां तक सारे देशों में, यानी कि बेसिकली मिडिल ईस्ट के सारे देशों में ऐसी सरकारें बनाई जाए जो उनके फेवर में हो। तो ये वर्ल्ड वॉर टू के खत्म होते ही तुरंत इस काम में लग गए थे सारे वेस्टर्न एलाइज, खास करके यूएसए और यूके, क्योंकि इनको अपना ऑयल सिक्योर करना था। इन्होंने वर्ल्ड वॉर में देख लिया था कि ऑयल कितना क्रूशियल है, जिसके पास ऑयल था, जिसके पास ऑयल सप्लाईज थी, वो युद्ध जीत गया। जर्मनी के हार के पीछे एक कारण ये भी था कि उनके हाथ से कई जगह ऑयल फील्ड्स चले गए थे। इसी पॉलिसी के तहत यूएस को यह भी समझ में आया कि अगर हमें सोवियत यूनियन पर निगरानी करनी है, थोड़ा सा दबाव बनाए रखना है, तो हमें पाकिस्तान को भी अपने फेवर में लेना पड़ेगा। क्योंकि पाकिस्तान की आप लोकेशन देखो, अब अभी ये मैप 1946 का है, तो इसमें भारत पाकिस्तान अलग नहीं हुए, लेकिन इतना दिमाग आप लोग लगा सकते हो। तो ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया से ये सोवियत यूनियन है, केवल कुछ किलोमीटर 100 किलोमीटर की दूरी पर आप जाकर हवाई जहाज उड़ाकर थोड़ा जासूसी वगैरह कर सकते थे। और इसके लिए इन्होंने पाकिस्तान के एयर बेसिस का इस्तेमाल किया भी था 1950s में। तो 1949 में ही यूएस को ये रियलाइज हो गया कि हमें पाकिस्तान की ज्यादा जरूरत है, भारत की हमें आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान अगर हमारे फेवर में है तो वहां से हम यूएसएसआर के ऊपर नजर रख सकते हैं, कभी कल को युद्ध हो गया तो यहां से ऑपरेशन भी लॉन्च किए जा सकते हैं। तो इसीलिए इन्होंने पाकिस्तान के साथ अपने अच्छे संबंध बनाए और अल्टीमेटली पाकिस्तान को भी अपनी अलायंस में शामिल कर लिया। और जब बगदाद पैक्ट साइन होता है 1955 में, तब पाकिस्तान भी इसमें शामिल होता है। बगदाद पैक्ट का ऑफिशियल नाम याद रखना सेंटो था, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पे लिख लेना चाहो तो नोट्स में, मैंने अपने स्लाइड में लिखा नहीं है, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इस सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन से देश शामिल थे? टर्की, इराक, ईरान, पाकिस्तान और यूके, ऑफिशियली ये देश थे, लेकिन इनको पूरा सपोर्ट यूएसए के द्वारा भी दिया जाता था। तो ये एक प्रकार से नेटो का मिडल ईस्टर्न वर्जन था। तो इस बगदाद पैक्ट के कारण बैम्बू कर्टन अब कहां पर है? एक तो ईरान और यूएसएसआर का बॉर्डर, यहां पर पाकिस्तान और यूएसएसआर का बॉर्डर, और अफगानिस्तान इनके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से अभी बाहर था। तो अफगानिस्तान की कहानी भी जल्दी शुरू होने वाली है। अफगानिस्तान मोर और लेस अभी न्यूट्रल था, इसमें अभी विदेशी हस्तक्षेप नहीं था टिल 1970s, ठीक है। तो अब हम 1970 के दशक में जब जाएंगे तो अफगानिस्तान भी अब नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के तहत इन्होंने टर्की से लेकर पाकिस्तान तक ये जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं इनको एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बांध दिया। और इनका लक्ष्य क्या था, ऑफिशियल एम क्या था? मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी इन द मिडिल ईस्ट। और जो बातें लिखी नहीं जाती हैं वो ये था कि तेल की सप्लाई चाहिए थी और यूएसएसआर के खिलाफ इन देशों को एकजुट रखना था। ऐसा नहीं है कि कोई निकल के यूएसएसआर के अंदर शामिल हो जाए, तो इनको इकट्ठा रखो, बांध कर रखो। लेकिन इस सेंटो को बहुत बड़ा झटका लगा 1979 में। 79 में क्या होता है, ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन, और वहां पर जो सरकार थी रेजा शाह पहलावी की वो खत्म हो गई और रूल चला गया आयतुल्लाह के पास। तो इस्लामिक रेवोल्यूशन ऑफ ईरान के बाद से क्या होता है कि अगेन ये बैम्बू कर्टन शिफ्ट हो जाता है। अब ये कर्टन यहां नहीं रहा है क्योंकि यहां पर अब वेस्टर्न नेशंस के द्वारा बैक्ड सरकार नहीं है, अब ये इंडिपेंडेंट हो चुके हैं और धीरे धीरे सोवियत यूनियन के स्फीयर में जाने लग गए थे। पूरी तरह से नहीं गए थे लेकिन थोड़ा बहुत चले गए थे। तो बैम्बू कर्टन अब यहां से शिफ्ट होकर यहां पर आ जाता है, ठीक है, इधर आ जाता है। तो इस तरह से बैम्बू कर्टन इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि आयतुल्लाह पूरी तरह से एंटी यूएस थे और इसीलिए सऊदी इराक बॉर्डर पर ये शिफ्ट हो जाता है। और इराक के बॉर्डर के पास क्यों गया, क्योंकि देखो इराक में भी 1979 में सद्दाम हुसैन पावर में आ जाता है और सद्दाम हुसैन भी यूएस के फेवर में नहीं था। तो ये दोनों देश एक तरह से निकल जाते हैं वेस्टर्न एलाइज के हाथ से और बैम्बू कर्टन शिफ्ट होकर यहां तक पहुंच जाता है। तो इससे किसको चिंता होगी? यूएसए को, क्योंकि सऊदी अरेबिया क्या है, इनका बहुत अच्छा ट्रेडिंग पार्टनर है। सऊदी अरेबिया तो इनका सबसे पुराना दोस्त है यूएसए का, वहीं से तो इनका तेल आता था सारा। तो इसीलिए अब ये थोड़ा सा और स्कीम लगाने लग गए कि कहां कहां पे बैम्बू कर्टन को हम पीछे धकेल सकते हैं। यहां पर बस एक पॉइंट ये याद रखिएगा कि सोवियत यूनियन थोड़ा सा यहां कंफ्यूज था, क्योंकि वो सद्दाम हुसैन की सरकार को तो सपोर्ट करता था, लेकिन सद्दाम हुसैन और ईरान की लड़ाई हो गई थी 1980s में, ईरान इराक युद्ध था, तो वो ओपनली ईरान को इतना सपोर्ट नहीं करता था। तो थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस था, लेकिन ऐसा नहीं है कि ईरान पूरी तरह से जाकर यूएसएसआर की झोली में गिर गया था, वो सिचुएशन नहीं थी। ईरान अपने आप को इंडिपेंडेंट कहता था, वो कहते थे कि हमें इस बड़े गेम में कोल्ड वॉर के अंदर शामिल नहीं होना है। लेकिन हाँ, इराक को तो वो ओपनली सपोर्ट करा करते थे, क्योंकि ये ईरान इराक वॉर उस समय 8 साल तक चला था। एक और बात आपको बता दूं, उस युद्ध के दौरान दोनों सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स ने दोनों देशों को हथियार बेचे थे, ईरान को भी और इराक को भी। तो इनको तो खाली अपना धंधा करना था, तो ये हथियार बेचा करते थे दोनों को और बहुत प्रॉफिट कमाया था यूएस और सोवियत यूनियन की हथियार बनाने वाली कंपनियों ने। अब आ जाओ अफगानिस्तान पे। तो अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वो आप देखोगे कि डायरेक्टली सोवियत यूनियन से लगता था। ये जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं ये उस समय सोवियत यूनियन का हिस्सा थे। तो अफगानिस्तान भी बिल्कुल इनके दक्षिणी बॉर्डर पर स्थित था और यूके और रशिया, जो जारिस्ट रशिया था, उसके बीच में 19वीं सदी से ग्रेट गेम चला आ रहा था अफगानिस्तान के कंट्रोल को लेकर।
तो सोवियत यूनियन लगातार कोशिश कर रहा था कि कैसे अफगानिस्तान में अपना वर्चस्व बढ़ाया जाए। तो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को इन्होंने काफी पैसा दिया, मिलिट्री हार्डवेयर बेचा, डेवलपमेंट के लिए पैसे दिए, सड़कें वगैरह बनाने के लिए बहुत सारे पैसे दिए गए इनको इनिशियली। ये सब 1960s की बात है, उस समय अफगानिस्तान काफी डेवलप्ड भी हुआ था। लेकिन तोहफा देते देते और हथियार बेचते बेचते कब यूएसएसआर ने अफगानिस्तान में तख्ता पलट किया, ये वहां के राजा को भी समझ में नहीं आया। तो अफगानिस्तान की जो रूलिंग डायनेस्टी थी, उसी में राजा के एक कजिन को इन्होंने अपने फेवर में कर लिया और कहा मोहम्मद दाऊद को कि तुम राजा बन जाओ, हम तुम्हें सपोर्ट कर देंगे। तो कम्युनिस्ट के सपोर्ट के द्वारा ही वहां पर एक कू होता है, और थोड़ी लंबी सी कहानी है, कॉम्प्लिकेटेड है। अल्टीमेटली ये होता है कि सोवियत यूनियन के द्वारा बैक्ड सरकार जो है वो वहां पर बन जाती है 1970s में। तो वहां पर जो ओरिजिनल राजा था उसको तख्ता पलट करके भगा दिया जाता है अफगानिस्तान से, उनको पलायन करना पड़ता है। एंड जो सरकार पावर में आती है वो सोवियत यूनियन के द्वारा समर्थित है, वो कम्युनिस्ट रेजीम के द्वारा समर्थित है। अब ऐसे में क्या होता है कि बीच में वहां के जो इस्लामिस्ट लीडर्स हैं अफगानिस्तान के, वो भी कोशिश करते हैं कि हम भी पावर में आए, लेकिन उनको ये कम्युनिस्ट बैक्ड गवर्नमेंट अफगानिस्तान की देश से निकाल देती है, और ये सब जाकर पाकिस्तान में जाकर छुपने लग जाते हैं। और पाकिस्तान में भी खास करके जो क्वेटा है, क्वेटा बलूचिस्तान का जो कैपिटल है, वहां पर आकर ये रहने लग जाते हैं। और तभी से क्वेटा इन अफगानिस्तान से आए हुए लोगों का एक बहुत बड़ा बेस बन चुका है, आज भी है। जब भी अफगानिस्तान में प्रॉब्लम होती है, सारे इस्लामिस्ट जो है वो भागकर क्वेटा में जाकर रहना पसंद करते हैं। तो क्वेटा में इनको तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी सपोर्ट किया, क्योंकि भुट्टो को क्या चाहिए था कि वो देश में जो कट्टरपंथी हैं उनको खुश करे। तो भुट्टो कहते थे देखो हम अफगानिस्तान से आए इस्लामिस्ट लीडर्स की कैसी आवभगत कर रहे हैं, तो उससे उनके देश में अपनी छवि भी चमक रही थी। तो इस प्रकार से एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बनती है जहां पर अफगानिस्तान से आए हुए इस्लामिस्ट लीडर्स जो आगे चलकर मुजाहिदीन बनते हैं वो पाकिस्तान में रह रहे हैं, लेकिन अब पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा कि इनके साथ करें क्या, ये हमारे देश में भी तो कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। तो ऐसे में यूएसए क्या कहता है कि चलो इनको हथियार दे देते हैं पाकिस्तान और हम मिलकर, पाकिस्तान को कहते हैं तुम लॉजिस्टिकल सपोर्ट दे दो, यूएसए हम हथियार दे देंगे और इनको सोवियत यूनियन के खिलाफ युद्ध करने को कह देते हैं। तो इसी प्रकार से 1980s में कंटिन्यूअसली यूएसएसआर के द्वारा बैक्ड जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट थी वहां पर एक युद्ध चलता है, और इस अफगानिस्तान वॉर में लगभग 10 साल चला है ये सोवियत यूनियन के खिलाफ। इसमें सोवियत यूनियन की अल्टीमेटली हार होती है। इन 10 सालों में सोवियत यूनियन ने अपनी तरफ से अफगानिस्तान को बनाने की, डेवलप करने की काफी कोशिश करी। इन्होंने सलांग टनल भी बनाई थी जो काफी फेमस टनल है, काबुल से उत्तर की तरफ है, ये सोवियत यूनियन से डायरेक्टली इनको कनेक्ट करती है। ये जो लाल डॉट है सलांग टनल का लोकेशन बता रहा है। तो इसी टनल के माध्यम से सोवियत यूनियन के सारी सप्लाईज आती थी अफगानिस्तान में, युद्ध को सपोर्ट करते थे और ये हमेशा टारगेट रहता था मुजाहिदीन का। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि ये युद्ध हार जाते हैं 1989 आते आते, और अल्टीमेटली जब 2001 में यूएसए को इन्वेजन करना पड़ता है अफगानिस्तान का, तब ये भी इसी सलांग टनल का इस्तेमाल करते हैं अपने सामान को, अपने मिलिट्री कॉन्वॉयस को आगे पहुंचाने के लिए। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो कि अफगानिस्तान से सोवियत यूनियन का कंट्रोल या फिर कम्युनिस्ट कंट्रोल जा चुका है, और उसके बाद से अफगानिस्तान में एक लॉलेस सिचुएशन हो जाती है अर्ली 90s में, और अल्टीमेटली तालिबान पावर में आ जाते हैं। लेकिन ये काफी हैरतअंगेज बात है कि 1980s के दशक में अफगानिस्तान में मुजाहिदीन को यूएसए सपोर्ट दे रहा था, ओसामा बिन लादेन को हथियार सप्लाई यूएसए कर रहा था, और उसको ग्लोरीफाई भी किया जाता था। इनफैक्ट अगर आपने रैम्बो 3 देखी होगी, रैम्बो 3 1988 में आई थी, उस समय मूवी के एंड क्रेडिट्स में मुजाहिदीन को वो फिल्म समर्पित है, द फिल्म इज डेडिकेटेड टू द ब्रेव मुजाहिदीन फाइटर्स ऑफ अफगानिस्तान। हालांकि जो उसकी मॉडर्न वर्जन है उसमें आपको ये नहीं मिलेगा, लेकिन किसी के पास अगर ओरिजिनल वीसीआर कैसेट है तो उसको ये मैसेज आज भी दिख जाएगा। बाद में तो उन्होंने हटा दिया था 2001 के बाद में 9/11 के अटैक के बाद, जब यूएसए खुद मुजाहिदीन से लड़ रहा था, लेकिन जो ओरिजिनल मूवी है उसके अंदर आज भी ये क्रेडिट है। तो कुल मिलाकर कुछ 10 सालों के लिए बैम्बू कर्टन इस बाउंड्री तक आ गया था, लेकिन सोवियत कंट्रोल यहां से जाने के बाद 1990 के बाद ये फिर से बॉर्डर यहां पर आ जाता है। तो बैम्बू कर्टन फिर से अपनी ओरिजिनल लोकेशन पर आ जाता है अफगानिस्तान के 20 साल की लड़ाइयों के कारण। फिर आ जाते हैं हम फार ईस्ट एशिया में, यानी कि दक्षिण और उत्तर कोरिया की लड़ाई। तो 1950 से 1953 के बीच में होता है कोरियन युद्ध। इस युद्ध के दौरान जो बाउंड्री बनती है, 3 साल के बाद एक स्टेलमेट आ जाता है, उस बाउंड्री पर कोरियन डीमिलिटराइज जोन पर बैम्बू कर्टन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल हमें देखने को मिलता है। तो अगर कहीं दुनिया में बैम्बू कर्टन में प्रॉपर तार बंदी थी, एक अच्छा बॉर्डर था, फिक्स बॉर्डर था, तो वो केवल यहां पर था। ये जो डीमिलिटराइज जोन है उत्तर और नॉर्थ कोरिया के बीच में आज भी एग्जिस्ट करता है। क्या मुझे कोई कमेंट में बता सकता है कि ये कौन सी पैरेलल है, 52nd पैरेलल है, 50th पैरेलल है या 51st पैरेलल है? कमेंट में मुझे आंसर दीजिए इसका। तो इस बॉर्डर पर बैम्बू कर्टन प्रॉपर तरीके से आयरन कर्टन की तरह यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है और कहीं पर नहीं करता था। 1960 के दशक में चाइना में कल्चरल रेवोल्यूशन की शुरुआत करी गई माओ ज़ेडोंग के द्वारा। उस रेवोल्यूशन के दौरान चाइना की सरकार ने बैम्बू कर्टन वाले एरियाज में, यानी कि जो अपने दक्षिणी बॉर्डर है, वहां पर प्रॉपर लॉकडाउन लगा दिया था कि कोई भी चाइना से इन देशों में जा नहीं सकता, यानी कि वियतनाम, लाओस,
हांगकांग, इन कहीं भी देशों में मूव नहीं कर सकता। बेसिकली वो नहीं चाहते थे कि हमारे लोग कैपिटलिस्ट कंट्रीज में जाएं और वहां जाकर ये बताएं कि चाइना की हालत कितनी खराब है। तो इसीलिए बैम्बू कर्टन एक प्रॉपर लॉकडाउन में था ड्यूरिंग द 4-5 ईयर्स ऑफ कल्चरल रेवोल्यूशन, लेकिन जब भी उसमें छूट दी जाती थी तो कई लोग चाइना से निकलकर दक्षिण में हांगकांग चले जाते थे। तो यहां पर भी एक वेस्ट बर्लिन वाला पैरेलल है, आप देख सकते हैं कि हांगकांग और बर्लिन शहर को आप इसलिए कंपेयर कर सकते हैं। हांगकांग कहां पर स्थित है? यहां पर दक्षिणी चाइना में, तो चाइना की मेन लैंड से सटा हुआ है हांगकांग आइलैंड, और इस हांगकांग में कई लोग माइग्रेट कर जाते थे कल्चरल रेवोल्यूशन से बचने के लिए। ठीक है, तो यहां पर भी एक छोटा सा आपको बैम्बू कर्टन देखने को मिलेगा जो इस मैप पे मार्क नहीं किया जा सकता। अब हम बात करते हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की। तो दक्षिण पूर्व एशिया के जो ये कंट्रीज हैं आज आपको इस प्रकार से दिखेंगे, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, तो ये सारे देश साउथ ईस्ट एशिया बनाते हैं, म्यांमार भी इसमें शामिल है। इन सभी का चाइना के साथ बॉर्डर है, वेल एक्सेप्ट कंबोडिया, कंबोडिया का डायरेक्ट बॉर्डर नहीं है चाइना के साथ। लेकिन 19th सेंचुरी के एंड में या 20th सेंचुरी की शुरुआत में क्या था, यहां पर ये तीन देश वियतनाम, लाओस और कंबोडिया ये मिलकर बनाते थे फ्रेंच इंडो चाइना। यहां पर फ्रांस की कॉलोनी थी, फ्रेंच इंडो चाइना बनाते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यहां पर आजादी की डिमांड उठती है, उसके बाद वियतनाम वॉर की शुरुआत होती है। तो इस पूरे एरिया में लगभग 30 साल 1945 से लेकर 1975 तक युद्ध चलता है। तो इन 30 सालों में जो अलग अलग युद्ध के स्टेजेस थे उसमें यहां काफी बॉर्डर में चेंजेस भी आते हैं, कई जगह सरकारें भी बदलती है। तो इस समय ये बैम्बू कर्टन काफी मूव होता है। ठीक है, इस समय बैम्बू कर्टन मूव होता है अकॉर्डिंग टू द रूलिंग पार्टी, जहां पर अगर कम्युनिस्ट पावर में आ गए तो वो बैम्बू कर्टन नीचे चला जाएगा, दक्षिण में चला जाएगा, जहां पर वो पावर में नहीं है वहां पर थोड़ा उत्तर की तरफ चला जाएगा। तो वर्ल्ड वॉर टू के खत्म होने के तुरंत बाद अगर आप देखें तो साउथ वियतनाम कम्युनिस्ट नहीं था, लाओस और कंबोडिया भी कम्युनिस्ट नहीं थे, लेकिन नॉर्थ वियतनाम जो है ये कम्युनिस्ट हो चुका था उस समय। और इनके बीच में लड़ाई शुरू होती है, मेनली लड़ाई नॉर्थ और साउथ वियतनाम के बीच में थी जिसमें दूसरे देश इन्वॉल्व हो गए थे। यूएसए साउथ वियतनाम की तरफ से लड़ाई लड़ रहा था और ऐसे में ये पूरा इलाका लड़ाई में घिर चुका था। तो लड़ाई चाहे वियतनाम की थी लेकिन कंबोडिया और लाओस भी इसकी चपेट में पूरी तरह से आ चुके थे। इनफैक्ट लाओस पर इतने बम गिराए गए कि आज दिन तक के इतिहास में लाओस रिमेन्स द पर कैपिटा मोस्ट बॉम्ब्ड कंट्री। यानी कि अगर आप वो डिवाइड करो कि कितने बम गिराए गए, मान लो 100 बम गिराए गए और आबादी है 1 लाख, तो वैसा वो रेशियो निकालोगे तो उसमें हाईएस्ट बॉम्ब्ड जो कंट्री है वो आज की तारीख में अभी तक लाओस है। ना इतने बम नॉर्थ कोरिया पर गिराए गए, ना इतने बम जर्मनी पर भी नहीं गिराए गए थे वर्ल्ड वॉर टू में। तो नॉर्थ कोरिया एंड लाओस आर वन ऑफ द मोस्ट बॉम्ब्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन द हिस्ट्री। और यूएस ने ये सब बम गिराए क्यों थे? क्योंकि उनको वहां पर कम्युनिस्ट सरकार नहीं चाहिए थी, उनको लग रहा था कि लाओस में भी कम्युनिस्ट सरकार आ जाएगी तो जो नॉर्थ वियतनाम में कम्युनिस्ट लड़ रहे थे वो लाओस में भी कम्युनिस्ट सरकार बनाना चाहते थे, तो इसको रोकने के लिए अमेरिका यहां पर इतने बम गिरा रहा था। लेकिन अल्टीमेटली आप जानते हैं कि वियतनाम वॉर में अमेरिका की हार होती है और कम्युनिस्ट स्टेट यहां पर बन जाते हैं। तो तीन कम्युनिस्ट स्टेट बनते हैं, एक तो बनता है वियतनाम, तो नॉर्थ और साउथ वियतनाम यूनाइट होकर बनाते हैं एक यूनाइटेड वियतनाम जो कम्युनिस्ट देश बन जाता है। फिर बनता है एक अलग देश लाओस और बनता है कंपूचिया। ठीक है, कंबोडिया का जो पुराना नाम थे दैट वाज डेमोक्रेटिक कंपूचिया, वो नाम का डेमोक्रेटिक था, बाद में वहां पे खमेर रूज का शासन हो जाता है, एक ऐसी सरकार आ जाती है जो लाखों लोगों को मार देती है अपने रूल के दौरान 1980s और 90s में। ठीक है, ड्यूरिंग 1980s। लेकिन इन तीनों कम्युनिस्ट देशों के अंदर भी एक डिफरेंस था। डिफरेंस ये था कि वियतनाम और लाओस ये दोनों यूएसएसआर से ज्यादा क्लोज थे और कंबोडिया या कंपूचिया जो है वो चाइना के ज्यादा निकट था। अब आप सोचोगे कि यूएसएसआर और चाइना तो दोनों कम्युनिस्ट हैं, क्या फर्क पड़ता है, बैम्बू कर्टन तो आ ही गया ना? नहीं, यूएसएसआर और चाइना के बीच में 1962 में एक दरार आ गई थी, दैट इज कॉल्ड द सीनो सोवियत स्प्लिट ऑफ 1962। इन दोनों देशों के बीच में एक दरार आ गई थी, दोनों कम्युनिस्ट थे लेकिन फिर भी दोनों की आइडियोलॉजी में कुछ फर्क आ गए थे स्टालिन की डेथ के बाद में, और इसीलिए अब ये जो देश हैं ये अलग अलग अपनी निष्ठा रखते थे। तो लाओस और वियतनाम जो है याद रखना वो यूएसएसआर के समर्थक थे और कंबोडिया जो था उस समय वो चाइना को फेवर करता था। तो वहां पर जो शासन था पोल पोट नाम के एक व्यक्ति का, खमेर रूज एडमिनिस्ट्रेशन उसे कहा जाता था, तो दैट वॉज लॉयल टू चाइना और इसने वहां पर लाखों लोगों का कत्ल किया, बिल्कुल माओ की स्टाइल के अंदर उसने शासन किया और वियतनाम और लाओस बन गए सोवियत यूनियन के एलाइज। लेकिन कुल मिलाकर ये भी पूरा इलाका कम्युनिस्ट हो गया था और वियतनाम को सपोर्ट तो देखो चाइना भी करता था, ऐसा नहीं है कि वियतनाम और चाइना की बिल्कुल नहीं बनती थी, दोनों पड़ोसी थे, दोनों का बॉर्डर था, तो सपोर्ट में तो ये थे। तो आप देख रहे हो कि यूएसए कितना घबरा जाएगा, ये जो बैम्बू कर्टन है या फिर जो कम्युनिस्ट देश है ये यहां तक पहुंच चुके हैं, अब तो बस थाईलैंड बचा है, थाईलैंड इनके फेवर में था वेस्टर्न कंट्रीज के, लेकिन ये जो बैम्बू कर्टन है अब यहां तक पहुंच चुका है। तो बैम्बू कर्टन जहां वर्ल्ड वॉर टू की शुरुआत के बाद यहां तक था, अब वो बढ़कर 30 साल बाद 1975 में यहां पर आ चुका है, तीन और देश बैम्बू कर्टन के पीछे जा चुके हैं।
दक्षिण एशिया और इंडियन ओशन रीजन में भी यूएसएसआर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। कई अफ्रीकी देशों और कई एशियन देशों को इंक्लूडिंग इंडिया यूएसएसआर के द्वारा बहुत सपोर्ट दिया गया, उनके मछुआरों को ट्रेन किया गया, कईयों को पैसे दिए गए हार्बर फैसिलिटीज डेवलप करने के लिए, मशीन्स दी गई, कई जगह इंडस्ट्री स्थापित करी गई। तो ऐसे देश जैसे कि इराक, मॉरिशस, सोमालिया, एडन, इन सभी जगहों पर यूएसएसआर के बेसिस बन गए, बेस नहीं बन गए बेसिकली, इनको फ्री पोर्ट एक्सेस दे दिया गया तो व्यापार वगैरह आसानी से हो सकता है। और यूएसएसआर भारत को भी बहुत फेवर कर रहा था। आपको पता ही है कि जब कोल्ड वॉर चल रहा था तब हम ज्यादातर हथियारों की खरीद यूएसएसआर से करते थे, आज उल्टा है, आज हम अमेरिका से ज्यादा खरीद करते हैं, लेकिन यूएसएसआर रशिया से थोड़ी कम हो गई है। यूएसएसआर से उस समय हमारा मैक्सिमम मिलिट्री इक्विपमेंट आया करता था। इनफैक्ट ऐसी टेक्नोलॉजी जो यूएसएसआर ने चाइना को देने से मना कर दी थी वो तक हमें दे देते थे, जैसे MiG-27 और 29 फाइटर्स। भारत यूएसएसआर के काफी फेवर में था। इस फोटो में आप देख सकते हैं हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यूएसएसआर को विजिट कर रही है। 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध से जस्ट पहले हमने सोवियत यूनियन के साथ एक संधि भी साइन करी थी, 25 ईयर ट्रीटी ऑफ पीस फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। इसके तहत यूएसएसआर ने हमें वादा किया था कि वो हमारी आर्थिक मदद करेगा, टेक्नोलॉजी की सप्लाई करेगा और मिलिट्री सपोर्ट भी जारी रखेगा। और आपको ये बात बता दूं कि 71 में जो लड़ाई हुई थी, भारत पाकिस्तान का जो युद्ध था, बांग्लादेश वॉर जिसको हम कहते हैं, उसमें पाकिस्तान का सपोर्ट किया था यूएसए ने और हमारा सपोर्ट किया था यूएसएसआर ने। इसकी भी काफी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अगर आप चाहते हैं कि उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट में मेंशन कीजिएगा, नहीं तो आप ये वाला आर्टिकल पढ़ सकते हैं द हिंदू का, पुराना आर्टिकल है 2019 का, लेकिन क्वाइट अ गुड रीड। अब आज की सिचुएशन को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो 91 में क्या होता है कि सोवियत यूनियन का विघटन हो गया, कोल्ड वॉर खत्म हो जाता है, बर्लिन वॉल टूट गई, आयरन कर्टन केम डाउन, और धीरे धीरे बैम्बू कर्टन भी गिरना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि चाइना ने अपने आप को कैपिटलिस्ट मॉडल पर ले जाना शुरू कर दिया। चाइना ने 1970s में अपने यहां पर आर्थिक तरक्की करने के लिए आर्थिक रिफॉर्म्स लेकर आए, वो डेंग ज़ियाओपिंग जो चाइना के लीडर बने थे आफ्टर माओ, उन्होंने कई सारे रिफॉर्म्स करे और डेंग ज़ियाओपिंग के नेतृत्व में चाइना ने अपने यहां पर मैन्युफैक्चरिंग शुरू करी बड़े स्तर पर, और धीरे धीरे चाइना केवल नाम का कम्युनिस्ट देश रह गया है। इनफैक्ट वियतनाम भी अब केवल नाम का कम्युनिस्ट देश है, अगर आज भी कोई अगर ट्रू कम्युनिस्ट देश है तो वो केवल नॉर्थ कोरिया है मेरे अनुसार। तो वैसे ऑन पेपर चाइना, वियतनाम, नॉर्थ कोरिया, क्यूबा और लाओस, ये पांच देश आज के समय में अपने आप को कम्युनिस्ट कहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि चाइना और वियतनाम तो पूरा वेस्टर्न कंट्रीज के तरह एकदम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बना चुके हैं अपनी, और पूरी तरह कैपिटलिस्ट नहीं है लेकिन वहां पर अच्छा खासा कैपिटलिज्म देखने को मिल सकता है। चाइना में बिलियनेयर्स आ गए, माओ के जमाने में कोई बिलियनेयर नहीं था, आज चाइना में इतने सारे बिलियनेयर्स हैं। तो इस प्रकार से ये देश अब केवल नाम के कम्युनिस्ट रह गए, केवल नॉर्थ कोरिया एक ट्रू कम्युनिस्ट रिजीम आप कह सकते हैं, वियतनाम तो इनफैक्ट कम्युनिस्ट होते हुए आज एक यूएस एलाई है। तो आज के समय में अगर हम कम्युनिस्ट देशों के समर्थन वाला ब्लॉक देखें तो वो बचा है चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान और सीरिया, और जिसमें भी सीरिया और ईरान तो मैं आपको बता देता हूँ ये कोई लॉन्ग टर्म दोस्त नहीं है, केवल इनका इंटरेस्ट है इसीलिए चाइना इनके साथ है अभी। बाकी केवल आइडियोलॉजी के बेसिस पर आप देखो तो नॉर्थ कोरिया और चाइना ही ट्रू कम्युनिस्ट आइडियोलॉग्स अभी बचे हैं। यूएस का जो ब्लॉक है उसमें आप देखो दक्षिण पूर्व एशिया में कई देश अब प्रॉपर प्रो यूएस हो चुके हैं, स्पेशली लाइक ताइवान, साउथ कोरिया, सऊदी अरेबिया, लेट जीसीसी, अरब स्टेट्स और इसराइल। तो ये एशियन कंट्रीज हैं जो पूरी तरह से यूएस के सपोर्ट में अब आ चुके हैं। तो अब बैम्बू कर्टन खत्म हो चुका है, ज्यादा कुछ बचा नहीं है इन देशों के अंदर, अब बहुत आर्थिक तरक्की हो गई है। तो चाहे कहने को आज भी लाओस और वियतनाम यहां पर अपने आप को कम्युनिस्ट कहते हो लेकिन सच्चाई ये है कि उनमें कम्युनिस्ट पॉलिसीज नहीं है, लाओस में फिर भी थोड़ी बहुत है, वियतनाम में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अब बैम्बू कर्टन जो है उसको कई बार कहा जाता है म्यांमार के बॉर्डर्स को लेकर, क्योंकि म्यांमार में मिलिट्री शासन था 2011 तक, अब वापस आ गया है 2021 में, तो म्यांमार का जो बॉर्डर है उसको अब बैम्बू कर्टन कहने लग गए थे आफ्टर कोल्ड वॉर एंडेड। और एक और नाम है बैम्बू नेटवर्क, बैम्बू नेटवर्क कहा जाता है चाइनीज डायस्पोरा के नेटवर्क को। देखो इन सभी देशों में बहुत सारे चाइनीज मूल के लोग रहते हैं, जो चाइनीज ओरिजिन के लोग हैं जो कई दशकों से कई सदियों से यहां पर आकर बस चुके हैं, इनका जो अपना नेटवर्क है डायस्पोरा का उसको कई बार बैम्बू नेटवर्क कहा जाता है साउथ ईस्ट एशिया में। तो उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और मैं ये भी उम्मीद करूंगा कि आप इस सब फैक्ट को याद रखें, अपने एग्जाम्स में मेंस में आंसर्स अच्छे से लिख पाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करने हैं तो इन टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 2022 और 23 के लिए तो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को इस वक्त अवेल करने का बहुत अच्छा मौका है। चार ऑफर चल रहे हैं, पहले ऑफर के तहत आपको ईएमआई मिल जाएगा यहाँ पर सब्सक्रिप्शन पर, दैट्स अ लोन फ्री ईएमआई, आपको केवल इस bit.ly वाले फॉर्म को फिल करना है और हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी, मेक श्योर दैट यू फिल द कोड महिपाल इन दिस फॉर्म। सेकंड 20 बुक्स फ्री मिलेंगी, प्रिंटेड मटेरियल फ्री मिलेगा आपको अभी अगर आप एक साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, प्रिंटेड मटेरियल में आपका जून तक का सब कुछ यहाँ पर कवर्ड होगा, करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक। तीसरा ऑफर ये है कि अभी
4 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है और ये जुलाई 2022 तक वैलिडिटी जारी रहेगी। उसके बाद भी अगर प्रीलिम्स डिले होता है तो तब तक आपका कोर्स वैलिड रहेगा, आप रिविजन बैचेस को ज्वाइन कर पाएंगे। और चौथा ऑफर ये है कि अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं महिपाल तो आपको इन सभी कोर्सेज पर फ्लैट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपको ये वाले प्राइसेस पे करने की आवश्यकता नहीं है, आपको ये प्राइस पे करना है 1 साल के सब्सक्रिप्शन का और ये वाला 2 साल के सब्सक्रिप्शन का। और अगर आप आइकॉनिक कोर्स लेते हैं तो याद रखिए आपको एक मेंटोर मिलेंगे जो आपको जीएस मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी कराएंगे। अब अनअकैडमी में ज्वाइन करने का फायदा यह है कि यहाँ पर अब प्रॉपर बैचेस बनते हैं। बैचेस का मतलब यह है कि मान लो आप 2022 की तैयारी कर रहे हो, आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट गो एंड स्टार्ट दिस बैच ऑन 28 अप्रैल। 28 अप्रैल से जो बैच शुरू हो रहा है इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको मैं आर्ट एंड कल्चर पढ़ाऊंगा, मृणाल सर इकोनॉमी पढ़ाएंगे, दीपांशु सर एंड मेनी अदर फैकल्टीज, दे विल टीच यू इन अ प्रॉपर फॉर्मेट। तो डेली फिक्स टाइम पर फिक्स क्लास होगी, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं कहां से क्या पढ़ूं, आपको केवल वो बैच ज्वाइन करना है। हर महीने बैच बनते रहते हैं, कुछ कुछ समय पर हिंदी मीडियम के भी बैचेस बनते रहते हैं, इंग्लिश मीडियम के, बायलिंगुअल, सभी बैचेस बनते हैं। इन बैचेस को आपको ज्वाइन करना है और इनमें आपको रेगुलर मोड में पढ़ाई होगी, रेगुलर क्लासेस की तरह आपकी पढ़ाई होगी, आपकी रेगुलरिटी पंक्चुअलिटी बनी रहेगी। और ऑप्शनल की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। ऑप्शनल प्लस जीएस का जो कॉम्बो ऑफर है दैट इज द बेस्ट ऑफर आई थिंक, और इसमें भी ये प्राइस पे नहीं करनी, यहाँ पर भी 10% फ्लैट डिस्काउंट है अगर आप महिपाल कोड को यूज करते हैं। एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स के लिए भी अनअकैडमी पर कोर्सेज उपलब्ध हैं, यू कैन गो एंड चेक देम आउट। फ्री टेस्ट सीरीज है, उनका फायदा उठाइए, जस्ट अनलॉक कोड यूज करना है और ये पाथफाइंडर, इंपल्स और राइज नाम की 3 टेस्ट सीरीज आपके लिए फ्री होंगी। अनअकैडमी कॉम्बैट हर रविवार को होता है, उसमें हिस्सा लीजिए और ये सारे जो आपको मैंने कोर्सेज बताए हैं ये आप फ्री में अवेल कर सकते हैं अगर आप कॉम्बैट में अच्छी रैंक लेकर आ जाते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।